पिज़्ज़ा मेकिंग की वीडियो में पार्ट वन में मैंने आपको पिज़्ज़ा डो बनाने की वीडियो शेयर की थी। आज हम पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए टिक्के बनाएंगे जो कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे लगेंगे। तो ये इस तरह के जो चिकन टिक्का है वो हमने रेडी करने हैं। इसका जो प्रोसीजर है, इसके बनाने का जो मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पिज़्ज़ा की डो हमने बना के उसको रख लिया है ताकि वो अच्छे तरीके से रेज हो जाए। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो सेकंड स्टेप है वो है उसकी टॉपिंग तैयार करना, क्योंकि हम चिकन बारबेक्यू टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए हमने जो बारबेक्यू है यानी कि टिक्का है वो तैयार करने हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन ये हमने 4-5 बोटियाँ लेके चिकन की बोनलेस ली हैं, उसके छोटे पीसेस बना लिए हैं। उसमें मैंने 5-6 चम्मच दही, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम अब इसको पका के रेडी करेंगे टिक्के, और बाकी साथ में ऊपर पिज़्ज़ा के लगाने के लिए हमने शिमला मिर्च ले लेनी है, टमाटर इस तरह से काट के ले लेना है और ओरिगैनो ले लेना है। आपकी मर्ज़ी है, अगर लगाना चाहते हैं आपके पास अवेलेबल है तो ओरिगैनो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। और साथ में हमने चेडर और मोज़रेला चीज़, इन दोनों चीज़ को मिला के इसको कद्दूकश कर लिया था, 1 कप ये ले लिया है। साथ में अगर आप पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना चाहते हैं अनियन वो लगा सकते हैं, ब्लैक ऑलिव्स लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो भी टॉपिंग आप करना चाहें। मैं इसको सिंपल बना रही हूँ, सिर्फ टिक्का, शिमला मिर्च और टमाटर के साथ मैं अनियन और उस पर ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव जो है वो नहीं लगा रही। तो अब सबसे पहले हमने टॉपिंग के लिए जो चिकन टिक्का है बारबेक्यू के वो रेडी करेंगे। तो चलें इसको बनाते हैं। अब चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने जो चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसमें हमने दही, थोड़ा सा ऑयल, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के इसको मैरिनेट करके रखा था। आप इसको एक दिन पहले भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और अदरवाइज सेम डे करना चाहते हैं मैरिनेट तो मैरिनेट करके 1.5 घंटे के लिए रख दें। अब हमने पैन में ये चिकन डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको डालने के बाद हमने मीडियम लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाएगा और चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम साथ में ही एक कोयला जो है वो गर्म करने के लिए रख देंगे, और जब ये चिकन हमारा रेडी हो जाएंगे टिक्के तो हम इसमें स्मोक देंगे उसका और बारबेक्यू का इसमें फ्लेवर देंगे। अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी ड्राई होने तक और चिकन टेंडर होने तक। चिकन टिक्का हमारा ये देखें तैयार हो रहा है, अभी इसमें पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ, अभी हम इसको और पकाएंगे और ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। और साथ में हमने इस तरह से एक कोयला ले लेना है, इसको वॉश कर लेना है, और दूसरे चूल्हे पे मैं उसको हाई फ्लेम पे इसको रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से बर्न हो जाए और फिर हम ये इसके अंदर इसको कोल का स्मोक देंगे। तो अभी चिकन को टिक्के को रेडी होने देते हैं और पकने देते हैं। अपने हम टिक्के अब चेक करते हैं, ये देखिए इनका पानी ड्राई हो चुका है। अगर हमने इनको फर्दर थोड़ा सा सॉफ्ट करना है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और जो चिकन हमारे टिक्के हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको थोड़ा देर हमने पकाना है। बारबेक्यू चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने टिक्के अपने रेडी कर लिए थे और एक कोयले को गर्म कर लिया था। अब ये देखें कि ये इस तरह से कंप्लीट रेड हो चुका है। अब हमने सबसे पहले एक प्याज का छिलका इस तरह से सेंटर में रखना है अपने चिकन के, और इसके ऊपर हमने जो बर्निंग कोल है, कोयला है, वो रख देना है। और हम इसमें डालेंगे, इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच हमने ऑयल का डाल देना है, घी आप डालना चाहते हैं घी डाल दें। अब हमने इसको फौरन कवर कर देना है ऑयल डालने के बाद, और इस तरह से हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे होगा कि जो कोयले का स्मोक है उसकी खुशबू सारे चिकन में इक्वली जो है वो अंदर चली जाएगी और इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हमने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसी तरह से रखना है। चिकन में कोयला रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें से कोयला और जो प्याज का छिलका रखा था वो निकाल लेंगे, और हमारा बारबेक्यू चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो चुका है।
अब हमने जस्ट इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारे में जो खुशबू है कोयले की वो चली जाए। तो अब बस ये हमारा रेडी हो चुके हैं टिक्के, और बाकी का हम आगे का रेसिपी अपनी रेडी करते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए टिक्के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू।